सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। यूएस मीडिया कंपनी फोर्ब्स की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कि पिछले कुछ सालों में सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से मालूम पड़ा है कि पाकिस्तान के ग्वादर में कई नए कॉम्प्लेक्सेस को बनाया गया है और इन्हीं में से कुछ चाइनीज कंपनी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि पोर्ट डेवलपमेंट में शामिल है, और जबकि इनमें से कुछ जगहों पर सिक्योरिटी को अनयूजुअली काफी ज्यादा टाइट रखा गया है। और इसलिए एनालिस्ट का मानना है कि पाकिस्तान के ग्वादर में ये चाइनीज नेवल बेस होने का पहला संकेत है, और उनके मुताबिक ये बेस जिबूती में स्थित बेस के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इंडियन ओशन में चाइना को उनकी गतिविधि मजबूत करने में काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। और ग्वादर जो कि पाकिस्तान कोस्ट के वेस्टर्न एंड में मौजूद है, इसको लेकर इस बात की संभावना जताई गई है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ये चाइना का मेजर पोर्ट हो सकता है, जो कि चाइना के लिए उनका सामान पाकिस्तान में भेजने के लिए एक शॉर्टकट की तरह साबित होगा। यानी कि इसके जरिए चाइनीज गुड्स को पाकिस्तान में सप्लाई करने के लिए पूरे साउथ एशिया का चक्कर लगा के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जबकि जनवरी 2018 में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि चाइना यहां पर अपने नेवल बेस को बनाने की योजना बना रहा है, लेकिन इस योजना की आधिकारिक तौर पर कभी भी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन अब पाकिस्तान के ग्वादर में सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से जिन हाई सिक्योरिटी कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया गया है, जहां पे सिक्योरिटी असामान्य रूप से काफी ज्यादा है और जो कि चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एनालिस्ट के मुताबिक ये चाइनीज नेवल बेस की योजना का संकेत हो सकता है, क्योंकि जगह पर एंटी व्हीकल बम, सिक्योरिटी फेंसेस और हाई वॉल लगाई गई हैं, और जबकि फेंस और इनर वॉल के बीच सेंट्री पोस्ट और एलिवेटेड गार्ड टावर्स इस पूरे पेरीमीटर को कवर करते हैं, जो कि ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे राइफल्स के साथ आर्म्ड गार्ड्स को भी तैनात किया गया है। और ये हाई सिक्योरिटी कंपाउंड इकलौता नहीं है, बल्कि पिछले साल ब्लू रूफ बिल्डिंग्स के साथ इसी तरह की दो और छोटी छोटी साइट्स को बनाया गया है, जो कि चाइनीज मरीन कोर गैरिसन के बैरक्स हो सकते हैं। सीनियर आर्मी ऑफिशियल की तरफ से कंफर्म किया गया है कि एलएसी पर चाइना के साथ जो तनाव चल रहा है, उसकी वजह से कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी फोर्सेस के एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में किसी भी तरह का असर नहीं पड़ रहा है। और जबकि चाइना के साथ इस तनाव के बीच साउथ कश्मीर के अनंतनाग में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के साथ एक इमरजेंसी लैंडिंग एंड रनवे स्ट्रिप का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीनियर आर्मी ऑफिशियल से इसी इमरजेंसी लैंडिंग और रनवे स्ट्रिप के बारे में सवाल पूछा गया, तो उनका कहना था कि ये इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव है और वे इस पे कोई और कमेंट करना नहीं चाहते हैं। और जबकि आज सुबह जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लॉन्च किए गए एक जॉइंट ऑपरेशन में तीन आतंकियों को ढेर किया गया है, जिनमें से एक आईईडी एक्सपर्ट था, और इन आतंकियों को भी आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर करना जारी रखा, जिसके चलते एनकाउंटर में फिर उन्हें ढेर किया गया है। और इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन था, और इन आतंकियों को तब इंटरसेप्ट किया गया है जब ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। भारत के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जैसे वीवीआईपीएस के लिए इस्तेमाल होने वाले एयर इंडिया वन के एक नए वेरिएंट को आज पहली बार स्पॉट किया गया है, जो कि एक बोइंग फैसिलिटी से दूसरी बोइंग फैसिलिटी में जा रहा था। और ये बोइंग का 777-300ER है, जो कि वर्तमान समय में भारत के एयर इंडिया वन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल होने वाले 25 साल पुराने बोइंग 747 को रिप्लेस करेगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए एयर इंडिया वन यानी कि इस बोइंग 777-300ER एयरक्राफ्ट की दो यूनिट्स जुलाई के महीने तक इंडक्ट की जा सकती है। और ये नया एयर इंडिया वन लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स और सेल्फ प्रोडक्शन सूट सिस्टम जैसी उन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज से लेस होगा, जो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एयरफोर्स वन में भी इस्तेमाल होती हैं। और एयरक्राफ्ट में मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने की वजह से इन इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, लेकिन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस का काम एयर इंडिया के ही पास है। और इन दोनों बोइंग 777-300ER को सरफेस टू एयर मिसाइल से सुरक्षा प्रदान करने वाले डिफेंसिव काउंटर मेजर्स और डायरेक्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम से भी अपग्रेड किया जाएगा। और बाकी हम इस एयर इंडिया वन पर एक डिटेल वीडियो पहले बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार आर्मी के कुछ जवानों के चाइनीज वायरस से संक्रमित होने के बाद भारत ने एलएसी पर इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के बीच आयोजित होने वाली एक एनुअल जॉइंट एक्सरसाइज को पोस्टपोन कर दिया था। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए चाइनीज आर्मी ने महत्वपूर्ण इंडियन आर्मी के पेट्रोलिंग वाले क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए वहाँ पे अपनी पोजिशन को मजबूत कर लिया, और इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो चरम पर है। हालांकि चाइना ने भी अपनी एक्सरसाइज को एक महीने के लिए पोस्टपोन किया था, लेकिन जब चाइना को ये मालूम पड़ा कि भारत की तरफ से भी एक्सरसाइज पोस्टपोन की गई है, तो उसने अपने
चला के दिखाते हुए गलवान घाटी और पेंगोंग सू लेक के करीब फिंगर एरिया में तुरंत अपने सैनिकों की तैनाती कर दी और चीनी सैनिकों के पहुंचने के कारण दौलत बेग ओल्डी और काराकोरम पास से लेह तक जाने के लिए पिछले साल बनाए गए सड़क से संपर्क टूट जाने का खतरा भी मंडराने लगा है। हालांकि चाइना की इस चालाकी को देखते हुए भारत ने भी फिर कोविड-19 प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए लेह में तैनात अपने सैनिकों को तुरंत अपने अपने इलाके में भेज दिया था, पर चूंकि चाइना पहले से यहां पर तैनात था तो इसलिए उसने भारत के गलवान और फिंगर इलाके में अपनी अहम रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली थी। और जबकि इस रिपोर्ट में कुछ सैटेलाइट इमेजेस के हवाले से कहा गया है कि चाइनीज सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी के पेट्रोलिंग वाले इलाकों में अपनी पोजीशन बना ली है और कुछ रणनीतिक दृष्टि से अहम क्षेत्र में भी वे आ गए हैं। और चाइना ने जो हरकत एलएसी पे की है ये हरकत बिल्कुल वैसी है जो पाकिस्तान ने 1999 में कारगिल में करी थी। हालांकि अभी दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और 6 जून को भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स के बीच भी एक हाई लेवल की मीटिंग आयोजित की जाएगी, लेकिन चाइना अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हाल ही में चाइना की न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि भारतीय सीमा पर चाइनीज आर्मी द्वारा मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित किया गया है और ग्लोबल टाइम्स की तरफ से इन एक्सरसाइज की कुछ तस्वीरें भी साझा की गई हैं जो कि बिहाइंड द एनिमी लाइंस की एक अप्रोक्स चेतावनी है। यानी कि इसके मुताबिक चीन की तिब्बत कमांड ने हाई ऑल्टीट्यूड एक्सरसाइज के दौरान बिहाइंड द एनिमी लाइंस का अभ्यास किया है। और अगर इस रिपोर्ट के माने तो चीनी सेना ने करीब 4700 मीटर यानी कि करीब 16000 फीट की ऊंचाई पर अपने सैनिकों को भेजकर रात के दौरान इनफिल्ट्रेशन एक्सरसाइज का अभ्यास किया था और इस एक्सरसाइज के दौरान चीनी सैनिकों ने दुश्मन की सीमा से परे जाकर आर्म व्हीकल्स तबाह किए और दुश्मन के मुख्यालय पर हमला किया। और ये साफ साफ नजर आता है कि इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज की तस्वीरें साझा करके चाइना भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी आखिर में है तो एक प्रोपेगेंडा ही और प्रोपेगेंडा कैसा ही हो उसका आखिर में खुलासा हो ही जाता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। असल में जो तस्वीरें साझा की गई हैं उनमें चाइनीज सोल्जर्स ने कोई भी स्पेशल क्लोथिंग नहीं पहनी है जो कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड की वजह से पहनने पड़ते हैं, जिसका मतलब यह है कि यह एक्सरसाइज बस एक दिखावे के लिए थी। और बता दें कि इंडियन आर्मी ने भी करीब 6 महीने पहले एलएसी के पास लद्दाख में इसी तरह की एक इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज को आयोजित किया था जिसमें पैरा स्पेशल फोर्सेज के कमांडोज भी शामिल थे और उन्होंने भी इसमें बिहाइंड एनिमी लाइंस का अभ्यास किया था। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।